एक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देखकर हम सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ स्टूडेंट एक क्योरी के ऊपर काम किया था, उनमें से हमने क्योरी में से एक फील्ड को कॉल करवाया था जो नाम से थी, और दूसरी फील्ड को कॉल करवाया था जो सिटी के नाम से थी। यहाँ पर दो फील्ड का हमने काम किया था और उन दोनों फील्ड्स को हमने कॉल करवाया था। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉपडाउन सा बना हुआ आ जाएगा। अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ का पता चल जाएगी कि हमने इन चीज़ों को किस तरीके से कॉल करवाया हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो है मुझे मेरे सामने दो टेबल्स दो फील्ड्स नज़र आ रही हैं। अगर और मुझे मज़ीद जो है इनके ऊपर काम करना है तो मैं यहाँ पर ये जो हमारी टेबल है, ये जो हमारी क्योरी है, इस क्योरी पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी भी फील्ड को कॉल करवा सकते हैं। जैसे कि मैं सब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट टू को यहाँ से कॉल करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं रन के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सब्जेक्ट टू जो है वो भी यहाँ पर मुझे क्योरी में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा काम होता है क्योरी का, और किस तरीके से आप अपनी क्योरी को कॉल करवाना चाहते हैं ये यहाँ पर आपको पता चलेगा। अब देखिए, सपोज़ करें यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था कि यहाँ पर अशरफ, एबीसी और सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा था। इनकेस कभी ये भी होता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि जस्ट मुझे अशरफ का रिकॉर्ड चाहिए, तो ये मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्योरी पर क्लिक करता हूँ, इसके डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अशरफ, जिस क्राइटेरिया को यानी कि क्राइटेरिया का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम रख दें। तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया के अंदर अशरफ लिख दिया, देन उसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ। जैसे मैं रन करवाता हूँ तो देखें हमारे सामने जस्ट एक अशरफ नाम का डेटा ही हमें शो हो रहा है। इस तरीके से हम इसको दोबारा से डिज़ाइन व्यू में लेकर आते हैं। ये क्राइटेरिया था मेरा। अगर उसके अलावा भी आपको कोई और चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसके अलावा मुझे एबीसी का डेटा चाहिए। याद रखना, जो क्राइटेरिया आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी फील्ड जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर फील्ड रखी हुई है नेम, तो इसलिए मैंने क्राइटेरिया में भी नेम रखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पर नेम नहीं रखता, यहाँ पर मेरी फील्ड नेम नहीं होती, सिटी होती, तो मैं यहाँ पर सिटी को ही सर्च करता। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखिए अशरफ और एबीसी नाम का जो बंदा है वो हमें इसकी डेटा यहाँ पर मिल गई। दोबारा से डिज़ाइन राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। ये क्राइटेरिया थे जिस तरीके से। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ से सिटी को सर्च करना चाहते हैं तो आप किसी सिटी को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर HYD हैदराबाद के नाम से जो सिटी थी, मैं उसको सर्च करना चाहता हूँ। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब एक चीज़ हमें जो हमारे सामने है वो नहीं आ रही होगी, क्योंकि हैदराबाद ABC तो आ रही है। यहाँ से हम देखें तो देखें, थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर आता हूँ। देखें, हैदराबाद सिटी जो थी वो मेरे सामने नहीं आ रही, मगर जो अशरफ नाम का बंदा था वो भी मेरे सामने नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो सर्च हो रहा है वो सखर सिटी और ABC सर्च हो रही है। तो इससे ये होता है कि देखें, अगर दोनों में से ये दोनों कंडीशंस हमारी नहीं चलती, समझना, अगर ये दोनों इसको नहीं मिलते, यानी कि सपोज़ करो अशरफ तो मिल गया था मगर अशरफ की सिटी जो थी वो सखर थी, हैदराबाद नहीं थी। तो अगर ये इन दोनों में से, इन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया गलत होता है तो ये जो नीचे वाला क्राइटेरिया ना, इसको चला दो। इसका काम सिर्फ ये इतना होता है कि इन दोनों क्राइटेरिया को अगर ये मैच नहीं होते, सपोज़ करो इनमें से अशरफ मैच हुआ, हैदराबाद मैच नहीं हुआ, अगर इनमें से कोई मैच नहीं होता तो आप नीचे वाला जो क्राइटेरिया जो और है, और का मतलब होता है कि इनमें से अगर कोई नहीं होता तो ये होना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं ना, अगर अशरफ है नहीं है तो और इसको चला दो, यहाँ पर ये उसी का काम हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको सर्च कर सकते हैं। सो ये हमारी जो क्योरीज थी, इनको हम कहते हैं, ये जितनी भी हमने क्योरीज पढ़ी अभी, इन सारी क्योरीज को कहते हैं डिज़ाइन क्योरीज। इनके ऊपर और मज़ीद हम डीपली जाएंगे, क्योंकि क्योरीज का काम तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। आज के लिए जो है इतना ही, हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।